वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर के टू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सार्थक तथा कोटिमान, जिसको सिग्निफिकेंट फीचर फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो सार्थक अंक है सिग्निफिकेंट फिगर, ये होते क्या है। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, नंबर का एक ऐसा ग्रुप, नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसको पूरा पूरा एकदम अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ा जा सके, मतलब उनका पूरा पूरा मतलब निकलता हो। जैसे अगर हम इसमें एक नंबर ले लेते हैं, ये ग्रुप हुआ क्योंकि एक से अधिक नंबर है, ठीक है, मान लीजिए एक और ले लीजिए। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम 12 ही पढ़ेंगे, यहाँ पे जीरो को नहीं लेंगे। क्यों? इसका नंबर का एक मीनिंग निकला। अगर हम उसी तरह एक ग्रुप और ले लेते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 120 या 120 पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, इसका एक मीनिंग निकला। जैसे आपने पैकेट पर भी देखा होगा सामान में कुछ इस तरह से लिखा होता है ग्रुपर, तो इसको हम 100 नहीं मान लेते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एक, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसमें भी कुछ रूल फॉलो होते हैं, तो आज हम उन्हीं रूल्स को देखेंगे। इसका पहला रूल है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स, सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सभी। जैसे मान लीजिए हम एक ग्रुप लेते हैं, मान लीजिए अब हम कहें इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सभी सार्थक अंक होते हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना मतलब निकलता है, ठीक है, इनको सार्थक पढ़ा जाता है, इनका एक अर्थ निकलता है। तो इनमें कुल कितने सार्थक अंक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कुल 3 सार्थक अंक है। ये हो गया पहला रूल। पहला रूल क्या था, जितने भी नंबर है जीरो को छोड़कर, ठीक है, जितने भी नंबर है पहले रूल में ये कहा गया है, जितने भी नंबर हैं जीरो को छोड़कर वे सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 4321, इसमें सिर्फ नंबर है जीरो नहीं है, तो इसमें कितने कुल सार्थक अंक होंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये है पहले रूल के अकॉर्डिंग, पहला रूल खत्म हुआ। अब दूसरा रूल क्या है, दो अंकों के बीच, हाँ, दो अंकों के बीच या दो नंबर्स के बीच जितने भी जीरो आते हैं उन्हें भी हम सार्थक अंकों में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 6007 1, क्योंकि यहां देखो आगे भी एक नंबर है, पीछे भी दो नंबर एक नंबर है और बीच में जीरो है। दूसरे रूप में क्या क्या कहा है, क्या मतलब कहा गया है कि दो नंबर के बीच जितने भी जीरो आते हैं वे भी सार्थक अंक होते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें जोड़कर पढ़ा जाता है। जैसे हमारा शरीर देख लीजिए 2003, यहाँ पे भी दो नंबर है उनके बीच में दो जीरो आ गए, तो इनको 2 और 3 नहीं पढ़ेंगे, इनको 2003 पढ़ेंगे, इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा रूल, यानी दो नंबर के बीच जितने भी जीरो आए, जितने भी शून्य आए वे सभी सार्थक अंक होंगे। जैसे एक और ले लेते हैं 1001, अभी क्या होगा क्योंकि आगे भी एक नंबर है पीछे भी एक नंबर, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, ये है दूसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या है हमारा, यदि किसी नंबर के ग्रुप के आगे कितने भी जीरो हो, उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो हम सिर्फ उन नंबरों को लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0, 1, 2, 3, तो जैसे आगे ही बताया था कि जीरो के बाद 1 और 2 लिखा है, तो उसको 12 ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है जीरो का,
जीरो को हटा देते हैं, कितने साल तक अंक है? एक दो तीन। तो यहाँ पर हम तीन लिख देंगे। ये है तीसरा रूल, ठीक है। तीसरे रूल में एक और नियम है, कभी कभी पॉइंट में भी आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, हमने डायरेक्ट ही इस तरह से लिखा है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि पांच के आगे जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन ये अंकों के बाद में है तो इसका मतलब होगा, ठीक है। इसको इसमें ऐड किया जाएगा, इसीलिए इसको 510 पढ़ा जाता है। तो इसमें कितने साल तक अंक है? एक दो तीन। अब बात दशमलव भी चल रही थी पॉइंट की, तो यहाँ पर 0.123। इसमें अगर देखा जाए कितने साल तक अंक है, तो दशमलव कि अगर आगे जीरो लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो उसके बाद वाली संख्या देखेंगे 1 2 3। तो इसमें कितने साल तक अंक है? 3। उसी तरह ये दोनों भी एक ही रूल में आते हैं, ये कंबाइंड है। अब आते हैं हम चौथे रूल पर, ठीक है। चौथा रूल ये है कि किसी भी नंबर के बाद जितने भी जीरो आए सभी का मतलब होगा, सभी का नहीं उसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे 1 के बाद 1 जीरो लगा दो, उसको 10 पढ़ा जाएगा या 10। 2 जीरो लगा देंगे हम, 100 हो गया। 3 जीरो लगा देंगे तो 1000। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि इस पूरे का मतलब निकलता है, ठीक है। सॉरी, ये 4 हुए, ठीक है। अब ये चौथा नियम भी पूरा हो गया। अब है हमारा पांचवा नियम, कभी कभी कुछ गिनतियों को, कुछ अंकों को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में भी लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है इसी को 10 की पावर के रूप में लिखना या 10 की घात के रूप में लिखना, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो यदि कोई भी नंबर हमारा अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रखा गया है तो हमने इसका पांचवा रूल याद रखना चाहिए कि इसमें जितना भी 10 की पावर के रूप में लिखा है उसको नहीं लेते हैं, उसके आगे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? 3। अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2 0 × 10 की पावर 2। अब इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? याद रखिए, पांचवे रूल में 10 की पावर हम चाहे जितनी हो हम उसको नहीं लेंगे, सिर्फ हमें क्या चाहिए? वह नंबर जिसका मतलब निकलता हो। तो इसमें कुल कितने नंबर्स हैं? 1 2। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक होंगे? 2। अब यही इसमें 0 ऐड हो जाए तो भी कितने सार्थक अंक होंगे? 2, क्योंकि किसी भी अंक के आगे अगर 0 लगा हो तो वो अंक बढ़ता नहीं है, वही रहता है, ठीक है, तब भी 2 होगा। अब ये हो गए सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के पांचों रूल, क्योंकि ये दोनों रूल एक ही हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इनको जोड़ते और घटाते कैसे हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है कि 2.5 मीटर, 12.48 मीटर तथा 0.356 मीटर को जोड़कर बताइए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंकों को ज्ञात कीजिए। हमको पता करना है कि इन तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़कर हमें ज्ञात करना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्हें लिखते कैसे हैं। देखेंगे कि यहाँ पर 2.5, 12.48 या 0.356 लिखा होगा, ठीक है। तो इनको उतारते हैं। पहले हम देखेंगे 2.5, ठीक है, ये मीटर में लिया हुआ है, तो मीटर मान लीजिए हम लिख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला दिया है 12.48। याद रखिए, एक पॉइंट नीचे ही दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 2,
इसके नीचे पॉइंट है, अब ये फोर यहां पर आएगा और एक यहां पर कहीं, ठीक है। अब आया हमारा 0.356, तो जीरो क्योंकि पॉइंट के आगे है तो मान लीजिए यहां पर होगा, पॉइंट उसके नीचे क्या है 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, ये त्रासीस का एड हो जाता है। अगर आप गलत ऑर्डर में इसको उतार देंगे तो ये गलती आ जाएंगी। अब हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, 6 आ गया, ठीक है। 8, 5, 13, 13, 1 कैरी कर देंगे मतलब एक भाग आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, देखिए एक घात जुड़ गया 14, 14, तो यहां चला जाएगा 1 कैरी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 2, 2, 4 हो जाएगा, 4, 1, 5 और 1 नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पर भी पॉइंट लगा देंगे। अब इसका पूरा टोटल नंबर कितना आया, 15.436 या 15.436। अब इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर को रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्योंकि यहां पर देखिए 11 नंबर्स है, ठीक है। तो कुल कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कुल कितने सार्थक अंक है, 5। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि कुल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। उस ठीक इसी तरह हम जो सब इंट्रैक्ट होगा मतलब हमारा घटाना उसको भी उतारेंगे, ठीक है। बस इसमें ये नहीं होगा, यहां पर लिखा होगा घटाकर, ठीक है। यहां अभी था जोड़कर बताइए कि कितना सार्थक अंक है, फिर यहां पर घटाना, उसको भी इसी ऑर्डर में हम उतारेंगे और बस क्या करना है हमको घटा देना होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा जोड़ और घटाना।